हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम इंडिया के बेहतरीन टॉप 10 हिल स्टेशन देखने वाले हैं। नंबर 10, माउंट अबू। माउंट अबू राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। ये हिल स्टेशन राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। माउंट अबू जयपुर से 540 किलोमीटर के दूरी पर है। ये जगह सी लेवल से 1219 मीटर्स है। इस जगह काफ़ी सारे हिंदू टेंपल्स है। आधार देवी टेंपल, श्री रघुनाथ जी टेंपल, जैन टेंपल्स, तिलवारा टेंपल्स, नक्की लेक यहाँ के मेन अट्रैक्शंस है। अगर आप वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं तो आप माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं। माउंट अबू का सनसेट सबसे बेहतरीन होता है। नंबर 9, मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। मनाली शिमला से 270 किलोमीटर है। मनाली समंदर लेवल से 6260 फीट ऊपर है। मनाली को हर साल काफ़ी लोग विजिट करते हैं। अगर आप मनाली विजिट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर महीना सितंबर से लेकर मिड दिसंबर तक होता है। ये जगह ट्रैकर और स्काइर्स के लिए है। यहाँ पर आप बाइकिंग, राफ्टिंग, स्काइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। मनाली में आप वन विहार पार्क, सोलंग वैली, हॉट वाटर स्प्रिंग, हिमालय नेशनल पार्क, मनाली सेंचुरी, रोहतांग पास विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल है। आप हिडम्बा टेम्पल, मनु महाराज टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, लॉर्ड राम टेम्पल भी देख सकते हैं। नंबर 8, मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। मसूरी दिल्ली से 290 किलोमीटर और देहरादून से 35 किलोमीटर के दूरी पर है। मसूरी सी लेवल से 2005 मीटर पर है। मसूरी हिमालय के पर्वत के आधार में है। मसूरी को क्वींस ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। अगर आप मसूरी में हैं तो आप नाहता इस्टेट, गन हिल, केम्प्टी फॉल्स, लेक मिस्ट, लाल टिब्बा, म्यूनसिपल गार्डन, हैप्पी वैली, कैमल्स बैक रोड, मसूरी लेक, बट्टा फॉल्स, जारिफानी फॉल्स, मौसी फॉल्स, नाग देवता टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी देख सकते हैं। हनीमूनर्स और फॉरेनर्स मसूरी को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 7, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल तमिलनाडु के दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है। कोडाईकनाल का मतलब द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट होता है। कोडाईकनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। कोडाईकनाल चेन्नई से 426 किलोमीटर और मदुरई से 120 किलोमीटर है। कोडाईकनाल हनीमून डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कोडाईकनाल में आपको हर तरह के ट्रीज देखने मिलेंगे। यहाँ पर पालनी हिल्स देखने जैसा है। आप यहाँ पर ट्रेकिंग, बोटिंग और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। कोडाईकनाल में आप कोडाईकनाल लेक, ब्रायंट पार्क, कोकस वॉक, बियरशोला फॉल्स, ग्रीन वैली व्यू, पाइन फॉरेस्ट, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, पिलर रॉक्स, गुना केव्स, सिल्वर कैस्केड, डॉल्फिन नोज, कुरिंजी अंदावर मुरुगन टेम्पल और बेरीजैम लेक भी देख सकते हैं। नंबर 6, नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन में काफ़ी बेहतरीन लेक है और ये कुमाऊं हिल्स में घिरा हुआ है। नैनीताल दो भागों में बटा है, तली तल और दूसरा मली तल। अगर आप नैनीताल में हैं तो लेक, ट्रेकिंग, नौकायान और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। नैनीताल में नैनीताल लेक, नैना पिक, टिफिन टॉप, नैनीताल जू, इको केव गार्डन्स, किलबिरी बर्ड सेंचुरी, द मॉल रोड, नैना देवी टेम्पल, स्नो व्यू पॉइंट, नीम करोली बाबा आश्रम, लैंड सीड, गवर्नर हाउस, हनुमान ग्रही, हिमालया व्यू पॉइंट देख सकते हैं। नंबर 5, मुन्नार। मुन्नार केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। ये हिल स्टेशन कोची से 130 किलोमीटर के दूरी पर है। मुन्नार में आपको काफ़ी शिखर मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्लेजेंट क्लाइमेट भी मिलेगा। यहाँ पर ट्रेकिंग, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। मुन्नार में आप
इराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुड़ी पीक, मट्टुपेट्टी, पल्लीवसल, कुलुकुमलाई टी स्टेट, इलिफेंट अराइवल स्पॉट, अतुक्कड़ वाटरफॉल्स, टाटा टी, कुंदला डैम, पोतामेडु व्यू पॉइंट, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, लकोम वाटरफॉल्स, मरायूर, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्लूजम पार्क, वलारा फॉल्स भी देख सकते हैं। नंबर 4, ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में है और ये कोयम्बतूर से 80 किलोमीटर और चेन्नई से 547 किलोमीटर है। ऊटी में आपको हर जगह नीलगिरीज के झाड़ देखने मिलेंगे। ऊटी हनीमून स्पॉट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको चाय के बागान, बड़े बड़े जंगल और हरे भरे पहाड़ देखने मिलेंगे। ऊटी में आप बोटानिकल गार्डन, टी फैक्ट्री, डोडा बेटा पीक, अवलांचे लेक, गवर्नमेंट रोज गार्डन, पायकरा रिवर, ऊटी लेक, मधुमलाई नेशनल पार्क, एमराल्ड लेक, स्टोन हाउस, तोड्डा हट्स, ऊटी माउंटेन रेलवे, सेंट स्टीफन चर्च, वैक्स वर्ल्ड, ट्राइबल म्यूजियम, डियर पार्क, मरियमन टेम्पल, थ्रीड गार्डन, कलहट्टी फॉल्स, कोटागिरी, कैथरीन फॉल्स भी देख सकते हैं। नंबर 3, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ये हिल स्टेशन कोलकाता से 614 किलोमीटर की दूरी पर है। दार्जिलिंग चाय के बगान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग दुनिया में शिखर के लिए तीसरे नंबर पर आता है। अगर आप दार्जिलिंग में हैं तो टाइगर हिल्स, दार्जिलिंग हिमालया रेलवे, बटासिया लूप, जापानीज पीस पगोड़ा, ऑब्जर्वेटरी हिल, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, रॉक गार्डन, नाइटिंगले पार्क, सिंगालीला पार्क, संडकफू मोनेस्ट्रीज, कांचनजुंगा माउंटेन, पैसेंजर रोपवे, महाकाल टेम्पल, टी गार्डन, बारबोटे रॉक गार्डन, तीन चूल्हे विलेज विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। शिमला को शिमला के नाम से जाना जाता है। शिमला हिमालय पर्वत के रेंजेस में आता है। हर साल यहाँ पर काफ़ी सैलानी आते हैं। शिमला काफ़ी प्लैंड सिटी है। यहाँ का साफ सुथरापन, यहाँ के रोड सुंदरता को और चकाचौंध कर देते हैं। शिमला में आप मॉल रोड, रिच, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, चक्कू टेम्पल, क्राइस्ट चर्च, कुफरी, टॉय ट्रेन, हिमाचल स्टेट म्यूजियम, स्कैंडल पॉइंट, हिमालयन बर्ड पार्क, शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, मशोबरा, नाल देहरा, लक्कर बाजार, तारा देवी टेम्पल और तट्टापानी देख सकते हैं। नंबर 1, श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ये हिल स्टेशन झेलम नदी के ऊपर है। श्रीनगर गार्डन्स, हाउस बोट्स और वाटरफ्रंट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रीनगर में ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फूड्स होते हैं। पूरे श्रीनगर में काफ़ी सारे लेक है, जैसे दाल, द नाइजीन, द एंका, कौशल सार, गिल सार और होकर सार। श्रीनगर में काफ़ी मुगल गार्डन्स है, जैसे चश्मा शाही, परी महल, निषाद बाग, शालीमार बाग और नसीम बाग। यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन भी देखने मिलेगा। अगर आप श्रीनगर में हैं तो आप हजरत बल मस्जिद, शिकारा राइड, जामा मस्जिद, शंकराचार्य टेम्पल, शाह हमदान की खानका, वाटर लेक, नागिन लेक, चिल्ली पॉइंट, चार चिनार, दचीगम नेशनल पार्क, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, अनंतनाग और बारामुल्ला विजिट कर सकते हैं। अगर आपको और हिल स्टेशन ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।